ग्वालियर में डेंगू का कहर देखने को मिलने लगा है, जहां गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की जांच में महिला की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। डेंगू के 9 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच हुई थी, जहां पनिहार क्षेत्र की महिला को डेंगू होने की पुष्टि हुई। शहर में डेंगू धीरे धीरे पांव पसार रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जून महीने में अब तक डेंगू के 21 मरीज सामने आ चुके हैं। देखिए यह रिपोर्ट। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अमले को निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर शहर में 44 टीमें लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाने के लिए जुटी हुई है। संवेदनशील क्षेत्रों में टैमोफोस और पायरेथ्रम दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ग्रामीण अंचल में भी आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी इस काम में लगाया गया है। देखिए क्या है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो अभी जल भराव की स्थिति हो रही है, तो जल भराव के कारण मच्छर पैदा होने की वो ज़्यादा बढ़ जाती संभावना। तो हमारी कलेक्टर मैडम के निर्देशन में अभी हमारी वार्ड 66 है ग्वालियर में, जिनमें 40 टीमें बराबर काम कर रही हैं, जो प्रतिदिन जाती हैं, लार्वा विनिष्टीकरण करती हैं, टेमोफोस का भी छिड़काव करती हैं, पायरेथ्रम का भी छिड़काव करती हैं। साथ में हमारे नगर निगम से भी हमें सहयोग मिल रहा है, जिसमें उनके द्वारा फॉगिंग कराई जा रही है। पिछले साल जिस वार्ड में सबसे ज़्यादा केस रहे थे, तो वहाँ पे हमने सघन सर्वे करवाया है। उस जगह हम कोशिश कर रहे हैं और कि टीम बार बार जाए तो वहाँ पर लार्वा विनिष्टीकरण जीरो हो जाए, तो उसके लिए टीम बराबर काम कर रही है। गौरतलब है कि जिले में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और मच्छर जनित अन्य बीमारियों से बचाव के लिए अभियान छेड़ दिया गया है। शहर के सभी 66 वार्डों में मच्छरों का लार्वा समाप्त करने और डेंगू, मलेरिया आदि मच्छर जनित बीमारियों के सर्वे और लार्वा नष्ट कराने के लिए काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।